सो गाइस वी वर हियर गाइस। अंग्रेजी मतलब वहाँ सरकार भार में प्रसिद्ध थे, मतलब जो अंग्रेजी लोग थे वहाँ पूरे भर में प्रसिद्ध थे ना, मतलब पूरे देश में प्रसिद्ध थे, राइट। तो अंग्रेजी लोग अपने जहाज के बल पर ही एक तिहाई पृथ्वी पे के राज बने थे, राजा बने थे। मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो अपने जहाज के ही वजह से पृथ्वी पर राज कर रहे थे, पृथ्वी के राजा बने थे। तो आगे वो सोचते हैं कि अगर उनके जहाज को ही नष्ट कर दिया जाए तो वो कैसे, जो उनका सामान है, जो गुड्स हैं, कैसे ट्रांसफर करेंगे, राइट। इधर से उधर तो फिर उनका जहाज ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी के राजा कैसे रहेंगे, ये उन्होंने सोचा। वे लोग किसी तरह इन जहाजों को नष्ट करने पर तुले थे, मतलब जो लोग वे लोग थे वो इन जहाजों को तहस नहस करने पर लुके थे। उनके जो अंग्रेज के जहाज के थे, अंग्रेज का जहाज था उसको तहस नहस करने में लगे थे। हॉलैंड उसने उसे मिल मिला अपना नक्शा हॉलैंड उससे मिला अपना नक्शा उन्हें दिखाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उसका पनडुब्बा जहाज अगर तैयार हुआ तो बात बात में अंग्रेजों के बड़े नश कर हो जाएंगे। हॉलैंड ने उनको, मतलब जो लोग थे जो छुटते थे अंग्रेजों से, उनको अपना नक्शा दिखाया जो उसने तैयार किया था सबमरीन के लिए, कि अगर उसका जहाज तैयार हुआ, उसका पनडुब्बा जहाज तैयार हुआ तो फिर जो अंग्रेजों के जहाज हैं वो तहस नहस हो जाएंगे। डेट वॉज इन दी दिस पैराग्राफ। सो गाइज आई एम अगेन सेइंग प्लीज मार्क दिस लाइन्स। सो गाइज आपको ये समझ आया? इफ यस इट्स ओके एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ। विद्रोही दल के पास लगभग 2.25 लाख रुपए थे। विद्रोही दल के पास, मतलब जो विद्रोही दल थे उनके पास 2.25 लाख रुपए थे। ये रुपए हॉलैंड के सुपुर्द किए गए, व्हाट डू यू मीन बाय सुपुर्द, लेट्स सी, सौंपना, किसी को देना, सौंपना मीन्स अपने पैसे किसी को देना, सी ही छोन के रुपए तो उनने हॉलैंड को सौंपे दिए। बहुत दिनों की अभिलाषा पूरी होने जा रही थी, जो जॉन पी हॉलैंड की बहुत दिनों का सपना था वो पूरे हो रहे जा रहा था, जिसके कारण उसने पागल नाम पाया था, जिसकी वजह से उसने पागल नाम पाया था, वो भी अभी जल्दी से हट जाएगा उसके ऊपर से। हजार हजार फटकार और तिरस्कार सहे थे, जिसके लिए उसने हजार हजार फटकार और तिरस्कार सहे थे, वो सपना उसका पूरा होने जा रहा था। उसे काय रूप में परिणत, व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड, लेट्स सी, वेर इज रिटर्न, परिणत, बदलना, बदल गया वो, बदलना, लेख, बदलना समझता ना गए, बदलना, क्या पूरा सेंटेंस, उसे काय रूप में बदलने करने का मौका आखिर मिल ही गया था, मतलब उसे बदलने का मौका आखिर मिल ही गया था। यह सोचकर वह खिल उठा, मतलब हम बोलते हैं ना लाइक वो फूल खिल उठा, मतलब अगर उसे पानी ना दिया जाए, सूरज की रोशनी ना मिले एक फूल को तो वो मुरझा जाता है, पर उसको अगर सब मिले, न्यूट्रिएंट्स या लाइक मिनरल्स मिले, सनलाइट मिले एंड देन वाटर मिले, तो मतलब वो खिल जाता है। तो अगर लाइक हम इंसानों को, हम ह्यूमन बींग्स को, इफ वी डोंट गेट एनी थिंग, सो अपना जो मतलब लाइक इफ वी डोंट गेट एनी थिंग वी आर वेरी सैड, एंड इफ वी गेट द थिंग विच वी वॉन्ट फ्रॉम सो मैनी डेज, सो मैनी ईयर्स और सो मैनी मंथ्स, आर फेस लुक्स लाइक अ
फ्लावर विच गेटिंग एवरीथिंग सनलाइट वाटर लाइक वी आर वेरी हैप्पी सो दैट ओनली, मतलब उसका पहला चेहरा खिल उठाता है एक फूल की तरह. फूल ने लिखा पर मैं आपको बता रही हूँ उसके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी. बड़े उत्साह और परिश्रम से सबने काम शुरू किया. तो बहुत उत्साह से उसने अपना काम शुरू किया. आखिर पनडुब्बा जहाज तैयार हो गया और उसका पनडुब्बा जहाज तैयार हो गया. किंतु पूरी सफलता नहीं मिली, पर उसे पूरी सफलता नहीं मिली उसे तैयार करने में. वह आसानी से पानी के भीतर चल सकता था और मजे से पानी के ऊपर लाया जा सकता था. इसके अतिरिक्त उसके भीतर सांस लेने के लिए हवा का काफी प्रबंध था. इतना होने पर भी कई दोष थे जिन्हें दूर की बिना उसे काम में लगना गैरुमकिन था. जिन्हें दूर किए बिना उसे काम पे लाना गैरमुमकिन था. व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन? मतलब गाइस उसके अंदर सब प्रबंध था, लाइक सांस लेने के लिए गैप था है ना, हवा के लिए, और वो आसानी से अंदर भी जा सकता था पानी के, और आसानी से पानी के ऊपर भी लाया जा सकता था, पर उसके कारण फिर भी उसमें कुछ दोष था. जिन्हें दूर किए बिना, मतलब उन्हें दूर किए बिना ही उसे काम में लाना मुश्किल था, गैर उनके मतलब नहीं किया जा सकता था. हॉलैंड उन्हें भी दूर करने में लगा, मतलब हॉलैंड उन्हें भी दूर करने में लगा था. उस पंडोबा को देखकर ही विद्रोही दल वालों को विश्वास हो गया कि सफलता अवश्य मिलेगी. और उसे देखकर ही जो दलवालों थे उन्हें विश्वास हो गया कि सफलता अवश्य मिलेगी जॉन पी हॉलैंड को. उन्होंने रूपे एकत्र कर उसे दूसरा पनडुब्बा जहाज बनाने का आदेश दिया. तो मतलब जो थे लोग उनने पैसे इकट्ठा किए, रुपए इकट्ठा किया और उसे दूसरा पनडुब्बा जहाज बनाने को कहा, जॉन पी हॉलैंड को. दूसरा पनडुब्बा जहाज भी तैयार हुआ. बिल्कुल छूरत दूसरत दूरु देखकर सभी दंग रह गए. बिल्कुल चुस्त दुस्त देखकर सभी दंग रह गए जो अब तक उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे. मतलब जो पनडुब्बा जहाज था उसे तैयार देखने के बाद सब ने अपने होश खो दिए, लाइक सब सरप्राइज्ड हो गए. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड सीइंग दैट पनडुब्बा जहाज. एंड देन द पीपल विच सेड हिम इंसल्टेड हिम दे वॉज लाइक सरप्राइज्ड सो मच. एवरी आँख फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगे. जो जो लोग ने उसका अपमान किया तो वो अपनी लाइक आईज ओपन, इतनी मतलब बहुत सरप्राइज हो गए थे, अपनी आँख फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगे. अखबारों वाले भी चुप ना रह सके. मीन्स द न्यूज़ पेपर वंस हु मेड द न्यूज़ पेपर कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस दे वर ऑल्सो नॉट क्वाइट. दे केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम हाउ ही मेड हाउ ही डिड दिस. एंड देन इस आविष्कार से समृद्धि लड़ाई में योग्यतर होगा इसकी कल्पना होने लगी. मतलब देन दे सेड लाइक दिस विल बी यूज्ड इन दी फाइट्स विच वी विल डू फॉर इंडिया. हैव यू लिसन दी वॉर लाइक फाइट्स ऑफ फाइट्स हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फाइट्स ना विच वर हेल्ड इन इंडिया मच मच ईयर्स बिफोर. सो मतलब ये भी जॉन पी हॉलैंड, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2022 हैज स्टार्टेड. सो लाइक टुडे इज 11th जैन. सो इससे बहुत साल पहले जॉन पी हॉलैंड ने बनाया था ना. सो मतलब ये लड़ाइयों में यूज़ होगा इसकी कल्पना होने लगी, मतलब इसके बारे में लोग सोचने लगे, देखने लगे. तो फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस. आई एम सेइंग यू टू मार्क समथिंग, प्लीज मार्क दैट लाइन. यू हैव टू मार्क दिस.
there is